बड़ी खबर ये कि अफशा अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। अफशा अंसारी पर पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ा दी है। अफशा अंसारी पर 75,000 रुपए का इनाम अब कर दिया गया है। तो जो लेडी डॉन है, अब उन पर शिकंजा कस रहा है। बाहुबली की जो पत्नियां हैं, उन पर शिकंजा कस रहा है। पहले पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था, अब 75,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। और पुनीत शर्मा जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी लेडी डॉन अफशा अंसारी के साम्राज्य को खत्म करने के लिए प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है, और इसीलिए उनके मऊ के इस घर को फिलहाल सरकार ने बुलडोजर चला के जमींदोज कर दिया है। लगभग एक महीने पहले ये जो अवैध घर आप देख रहे हैं, इसको बनाया गया था। दरअसल मुख्तार अंसारी की माँ ने इस घर को अपने दोनों पोतों के नाम पे कर दिया था, जिसके बाद ये घर बनाया गया था। और जहां पर ये जमीन थी, उसकी जगह ये दूसरे की जमीन पर घर को बना दिया गया था। जब से अफशा अंसारी फरार हैं और उनका जो एक दूसरा बेटा है मुख्तार का, वो फरार है, उसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की और ये जो अवैध घर था उसको बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय में पुलिस प्रशासन ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुख्तार अंसारी और लेडी डॉन अफशा अंसारी की संपत्ति को कुर्क किया है। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ के आसपास उनकी तमाम अवैध बेनामी संपत्ति है, जिन पर पुलिस ने कब्जा किया है या उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ठीक ऐसी ही संपत्ति एक आपको सामने नजर आएगी, ये जो पूरी बिल्डिंग है ये भी अवैध बिल्डिंग है और इस पर भी प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से सील कर दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि लेडी डॉन अफशा अंसारी और मुख्तार अंसारी का यह एकमात्र घर था जिसको कि उनके बेटे ने यहां पर बनवाया था, और एक महीने पहले पुलिस ने इसके घर के खिलाफ कार्रवाई करी और बाकायदा डीएम के आदेश पर बुलडोजर के जरिए इस घर को जमींदोज किया। एकमात्र घर जो कि उनका अपना घर था, वहां ये इस घर को भी पुलिस ने फिलहाल गिरा दिया। तो एक और बाहुबली पर शिकंजा कसा जा रहा है। जैसा कि पुनीत की रिपोर्ट आपने देखी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी लेडी डॉन पर भी जो संपत्ति है उसे अब उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस उनके आर्थिक साम्राज्य को अब खत्म करना चाहती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई है, बड़ी खबर मिल रही है। अफशा अंसारी पर इनाम की राशि अब 75,000 हो गई है। देश से बाहर भागने की फिराक में है अफशा अंसारी, जो जानकारी मिल रही है। अफशा की तलाश के लिए यूपी और दूसरे राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, पहले 50,000 इनाम की राशि थी, अब 75,000 हो गई है। इस वक्त मेरे साथ मऊ के एसपी अविनाश पांडे जी मौजूद है। सर, पहले 25,000 का इनाम था और अब 50,000 का इनाम, क्या जरूरत पड़ी अफशा पर इनाम बढ़ाने की? देखिए, ये जो 50,000 का इनाम किया गया है ये वाराणसी रेंज के स्तर से किया गया है, और कल ही मऊ पुलिस के स्तर पर एक नए मुकदमे में 25,000 का इनाम और किया गया है, तो कुल मिलाकर अब 75,000 का इनाम इनके ऊपर हो गया है। ज़रूरत ये पड़ी कि ये इनकी एक फर्म थी विकास कंस्ट्रक्शन करके, जिसके माध्यम से इन्होंने पूरा गिरोह बनाकर, जिसमें इनके भाई लोग भी शामिल थे, कुछ अन्य लोग भी शामिल थे, और जो IS-191 गैंग के सरगना हैं मुख्तार अंसारी, उनका भी इन लोगों को संरक्षण प्राप्त था, उसके माध्यम से कई बेगुनाह, बेकसूर और गरीब लोगों की, जिसमें कुछ अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल थे, उनकी ज़मीनों का इनके द्वारा कब्जा किया गया और गलत दस्तावेज दिखाकर उसके माध्यम से इनकी खरीदी की गई। उसमें राजस्व विभाग द्वारा जांच की गई और जांच के पश्चात जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया, तो उसमें इनके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई। उसी आधार पर, चूँकि ये पूरा एक संगठित गिरोह के तरीके से, कई कंपनियाँ इनकी हम लोगों के सामने आई जिसका बहुत डिटेल में हम लोगों ने चेक किया, तो चूंकि पूरा एक संगठित गिरोह सामने आया, तो इसी प्रकरण में इन पर एक गैंगस्टर एक्ट के तहत, जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद क्रियाकलाप प्रतिषेध अधिनियम है, उसके अंतर्गत एक मुकदमा थाना दक्षिण टोला में इनके खिलाफ पंजीकृत किया गया, जिसमें इनके खिलाफ माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ एक NBW दिया
बार बार एक ये बात आती है कि कानूनी प्रक्रिया, इसमें पुलिस ने जितनी भी कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, इनके खिलाफ NBW जारी किया गया, उसके बाद 82 CRPC यानी एब्सकॉन्डर की जो प्रक्रिया होती है, भगोड़ा घोषित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसका अनुपालन किया गया। और पुनीत जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इनाम की राशि बढ़ाई गई है। पुनीत ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पुनीत, मुख्तार अंसारी पर भी अब शिकंजा कस रहा है, उसकी संपत्ति पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है पुलिस, लेकिन जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है आफशा अंसारी, उस पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई, क्या पता लगा पाई है पुलिस अब तक, कहाँ है आफशा? देखिए, मुख्तार अंसारी जब से जेल गया था तो उसके बाद से उनकी IS-191 गैंग की जो कमान है वो अफशा अंसारी ने संभाली और इस तरीके से एक बेगम लेडी डॉन बन गई। इसके बाद से खासतौर पर जो ज़मीन कब्जाने का मामला है उसमें अफशा अंसारी को महारत हासिल हुई और कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीनों पर फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए अफशा ने ज़मीन कब्जाना शुरू किया। पुलिस ने पहले इनके ऊपर 25,000 का मुकदमा इनाम जारी किया और उसके बाद अब कुल मिलाकर के 75,000 रुपए का इनाम घोषित हो चुका है अफशा पर, यानी कि अफशा की जानकारी देने वाले को 75,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा पुलिस के सोर्सेस के मुताबिक कि पुलिस को अफशा की एक तस्वीर हाथ लगी है जिसमें वो बुर्का पहने हुई है, इसके अलावा चश्मा पहने हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है कि बुर्के के जरिए, बुर्के की आड़ में खुद को छुपाने की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि कोई बुर्का गैंग की 5-6 और महिलाओं का जो गैंग है वो भी अफशा अंसारी को शेल्टर दे रहा, उनको शील्ड की तरह जो है ढाक करके चल रहा हो। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अफशा अंसारी जो कि जिस पर जनवरी 2022 में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की, 1.25 साल के बाद भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है और इसी वजह से सेंट्रल एजेंसियों को भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसकी डिटेल शेयर की गई है और इनाम की राशि भी जारी करने के लिए 75,000 कर दी गई है बढ़ाकर। वहीं शायस्ता परवीन की भी सरगर्मी से तलाश चल रही है अतीक की पत्नी पर भी, और अतीक अशरफ मर्डर के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक भी जताया जा रहा है। शूटर्स के पीछे किसी बड़े गैंगस्टर का हाथ होने की आशंका है। पुलिस को शक है कि गैंग ने झांसे में लेकर मर्डर करवाया। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाले एंगल से जांच कर रही पुलिस। तो अब सवाल यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एंगल से जांच की जा रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ऑर्डर किसने दिया? कौन है वो मास्टरमाइंड जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ऑर्डर दिया? अगर ऐसी बात है तो पुलिस को शक है इस बारे में। और विनय रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, बताया जा रहा है ये एंगल निकल कर सामने आ रहा है पुलिस की तरफ से, पुलिस को आशंका है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है वाकई, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, किसी ने सुपारी दी है मारने की, तो वो कौन है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जब SIT की टीम ने जो है जांच जब शुरू करी तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी जो एंगल है ये भी सामने आया, क्योंकि इसलिए एंगल सामने आया है क्योंकि जो तीनों जो शूटर्स हैं वो अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि तीनों अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए? क्या इनको किसी कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे तो नहीं भेजा गया था? इनके साथ कोई और लोग तो नहीं थे? लेकिन सवाल यही है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है तो आखिर यह कॉन्ट्रैक्ट देने वाला शख्स कौन है, उसकी तलाश अब जो है पुलिस इस एंगल पर भी कर रही है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से तीनों शूटरों से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी एंगल इसमें जोड़ा जा रहा है और जरूर इसमें कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आएगा, क्योंकि महंगी पिस्टल का मिलना और इन लोगों के तीनों के जनपदों का अलग अलग होना यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की तरफ जरूर इशारा करता है। और यही वजह है कि SIT की टीम जो है वो कि जिस जगह से ये जो अपराधी हैं, हत्यारे ताल्लुक रखते हैं, उनके पास इतनी महंगी पिस्टल कैसे आ सकती है? तो सवाल तो ये भी है जी। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई पिस्टल आम पिस्टल नहीं है, ये पिस्टल इस तरीके की पिस्टल है जो सूत्र बताते हैं कि पूरे अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो 350 के आसपास इस तरीके की पिस्टल होने की संभावना है। और ऐसे में इन तीनों सूत्रों के पास इतनी महंगी पिस्टल का होना कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर करता है कि इनके पीछे किसी बड़े ऐसे शख्स का हाथ हो सकता है जिन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे इसको किलिंग कराया हो। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है, जांच जो है SIT की चल रही है। जांच का विषय है। विनय रघुवंशी हमें जानकारी दे रहे हैं, पंकज झा भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ विपिन चौबे भी बने हुए हैं। बड़ी खबरें लगातार खुलासे हो रहे हैं।